यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल के पेपर सिक्स की जो श्रृंखला चल रही है उसी क्रम में आज हम लेक्चर फोर डिस्कस करेंगे, जो कि आयोग के सिलेबस के टॉपिक उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव पर आधारित है। इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका एनालिटिकल तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्न को किस प्रकार रियल एग्जाम में अटेम्प्ट किया जाए यह भी समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव, काफी चूंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया 2023 में, इस लिहाज से ये जो मुद्दा है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे जो प्रश्न है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो पहला प्रश्न बनाया गया है इस टॉपिक से। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे को चिन्हित करते हुए प्रदेश में निवेश के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें। दो बातें यहाँ पूछी जा रही हैं। पहली बात पूछी जा रही है कि निवेश के मुद्दे, दूसरा पूछा जा रहा है निवेश के प्रमुख क्षेत्र क्या है, इन सबका आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें इसका इंट्रो अगर आपको लिखना हो, इसका अगर इंट्रो आपको लिखना है तो आप जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। राज्य की प्राकृतिक संपदा, आप जानते हैं राज्य के पास प्राकृतिक संपदा भी बहुत आयत में है, प्राकृतिक संपदा, युवा आबादी भी आपके पास बहुत ज्यादा है, राज्य के पास युवा आबादी यौम पूर्ण क्षमता, जो भी राज्य की पूर्ण क्षमता है, क्षमता का दोहन करने के साथ साथ सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन स्तर उपलब्ध कराने में निवेश कर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में निवेश एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार से हमने क्या किया, इंट्रो लिख लिया। इसमें क्या हुआ कि राज्य की प्राकृतिक संपदा, युवा आबादी और जो पूर्ण क्षमता, इसका दोहन करने के लिए और जो लोग हैं, हमारी जो आबादी है, हमारी जो है 20 करोड़ 22 करोड़ जो भी हमारी आबादी है उसको गरिमापूर्ण जीवन स्तर उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या है निवेश की बहुत आवश्यकता होती है। इसको हमने एक इंट्रो के रूप में परिभाषित कर दिया। अब जो प्रश्न हमारा जो बन रहा है, प्रश्न की डिमांड है प्रदेश में निवेश के मुद्दे को चिन्हित करना, आपको कौन कौन से निवेश में जो भी निवेश होने में जो जटिलताएं आती है, जो समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको हमको एड्रेस करना है। ठीक है, तो इसकी हम हेडिंग बना लेते हैं प्रदेश में निवेश के मुद्दे। यूपी में निवेश के मुद्दे, ठीक है, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला मुद्दा क्या हो सकता है जरा यहां देखते हैं। पहला मुद्दा है कि जो प्रदेश है, राज्य में, यूपी में बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त विकास। अपर्याप्त विकास हुआ है। उदाहरण के रूप में अगर देखें इसको जरा, उदाहरण के रूप में जरा इसको समझें कि कैसे आप देखेंगे। वर्ष 2021 का अगर आंकड़ा देखें, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो डेटा आंकड़े प्रकाशित होते हैं उसी लेटेस्ट होता, तो 2021 का लेटेस्ट जो आंकड़ा है के अनुसार 29% जो सड़कें हैं, जो सड़क नेटवर्क है यूपी में, वो क्या है, अविकसित है।
दूसरी बात अगर यहाँ ये बात देखें बुनियादी ढांचे का, जो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हम देखें अगर बुनियादी ढांचे में ही, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है, केंद्रीय भूजल बोर्ड का एक जो डेटा है वो कहता है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार यूपी में भूजल संसाधनों यूपी केंद्रीय भूजल बोर्ड कह रहा है यूपी में भूजल संसाधनों का अस्सी प्रतिशत अधिक उत्पादित हो रहा है। जितनी आवश्यकता है, जितनी हमारा जल की हमारे पास संसाधन है, उसका उसका भी 80% अधिक क्या हो रहा है, यहाँ पे उपयोग हो रहा है, उपाय हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ जो तीसरा और अगर हम देख लें यहाँ पे डेटा, तो विद्युत मंत्रालय कह रहा है, यहाँ पे विद्युत मंत्रालय की अगर रिपोर्ट देखें हम, विद्युत मंत्रालय के अनुसार जो भी यहाँ पे विद्युत विद्युत आवश्यकता है, जो विद्युत आवश्यकता अब आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो बिजली कटौती होती है बराबर, यहां मतलब इसका ये है कि जो मांग है, मांग अधिक है और आपूर्ति क्या है, इससे कम है। आप देखते हैं बिजली कटौती की समस्याएं काफी बहुत चिंता का विषय होती है। साथ साथ इसके बाद आप देखेंगे और क्या समस्या यहाँ पे आती है, और समस्या हमारी यहाँ पे बनी हुई है जो निवेश में मुद्दे हैं। जब ये देखिए आप, निवेश आकर्षित करने में ये सबसे आवश्यक है कि हमारी रोड की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर तरीके से हो। दूसरा है कि विद्युत, आपको कोई भी अवसंरचना लगेगी, कोई भी मशीन, कोई भी कंपनी लगेगी, कोई फैक्ट्री लगेगी, उसके लिए विद्युत आपूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल हो जाता है, क्योंकि आम आज के समय में जो भी मशीनें संचालित होती है विद्युत के माध्यम से संचालित होती है। साथ ही साथ हमारे पास जल जल संसाधन की उपलब्धता बहुत होनी आवश्यक है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात है हमारे पास एक जो समस्या आती है आज के समय में, लाल फीताशाही की समस्या है, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, फीताशाही की समस्या है, की समस्या विद्यमान है, जिसके माध्यम से जो हमारी फाइलें होती हैं, जो भी हमने अगर कोई जो हमारे कागज हैं, कोई हमको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती, तो इससे क्या होगा, जटिल कानूनी एवं प्रशासन, मतलब इसके क्या देख सकते हैं, लाल फीताशाही में जटिल कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। इससे क्या होता है, निवेश बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, प्रशासनिक प्रक्रिया यहाँ पे विद्यमान है, फाइलें क्या होती हैं ऑफिसों में हर महीनों लटकी पड़ी रहती है, ठीक है। अगली जो समस्या यहाँ पे आती है, जो यहाँ पे अगली समस्या है, वो भ्रष्टाचार और स्थानीय माफियाओं के साथ कर्मचारियों को गड़पोर, यहाँ गन कल्चर कह सकते हैं, गन कल्चर की समस्या है। आप देखेंगे यहाँ पे जो माफिया है, माफियाओं जो स्थानीय नेताओं माफियाओं में स्थानीय जो नेताओं का हस्तक्षेप, का अनावश्यक हस्तक्षेप, अगर कोई बाहरी कंपनी कोई अगर आई, उसको अपना जो प्लांट स्थापित करना है, उसमें माफिया और स्थानीय जो नेता होते हैं उनको क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको समस्या होती है, ठीक है। अगली जो समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है, आप समझिए जो निवेश में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, कि जो उद्योगों की आवश्यकता अनुरूप, उद्योगों की आवश्यकता आवश्यकता अनुरूप जो आवश्यक आवश्यक कौशल युक्त श्रम बल, कौशल युक्त संबल, इसकी क्या है, आपको क्या कहीं क्या है कि भारी कमी है यहाँ पे। इससे क्या है, जो हमारे निवेशक हैं वो भारी कमी है, निवेशक हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं किसी क्षेत्र में प्लांट लगाएंगे, कोई उद्योग लगाएंगे, कोई कंपनी लगाएंगे, तो जो उसके लिए आवश्यक जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक डेटा भी यहाँ पे कहता है, उदाहरण के रूप में अगर डेटा देखें, उदाहरण के रूप में, तो जितना भी हमारा देश के कुल श्रम बल में, देश के कुल श्रम बल का
कुल श्रम बल का मात्र 4% क्या है, 4% क्या है, स्किल्ड है। आप समझ लिए 96% जो श्रम बल है वो अनस्किल्ड आपका श्रम बल है। इस प्रकार की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। और निवेश में क्या समस्याएं हो सकती है, कौन कौन से मुद्दे हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आप समझिए यहाँ पे एक जो समस्या, जो छह समस्या जो आती है कि सीमित वित्त पहुंच जो है, सीमित वित्त तक पहुंच, वित्त पहुंच ये कैसे, इसको जरा आप समझिए। जब अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर व्यक्ति अपना कोई निवेश करना चाहता है, कोई अपना कुटीर उद्योग, कोई लघु उद्योग, कोई बहुत बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसको क्या होगा, आवश्यक जो वित्त है वहां तक उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज इसका उदाहरण के रूप में अगर देखें तो एक आरबीआई का डेटा है, उदाहरण के रूप में अगर देखें आरबीआई का एक डेटा है, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई रिपोर्ट कहती है, आरबीआई रिपोर्ट कहती है कि ऋण जमा अनुपात जो है, ऋण जमा अनुपात अनुपात यूपी में 64.3%, जो कि राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम, जो कि राष्ट्रीय औसत से, औसत से कम। इस प्रकार से लोगों को ऋण ऋण ही नहीं प्राप्त हो पाता है जिससे वो क्या करें, निवेश कर सके। ठीक है, अगली जो समस्या यहाँ पे देखने को आती है, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता की समस्या देखने मिलती है। देखो कोई भी जब निवेशक आएगा तो बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। राजनीतिक अस्थिरता की समस्या ये भी निवेश में बाधक होती है। अभी हाल ही में तो इस प्रकार की समस्या काफी दिनों से ऐसी समस्या नहीं बनी है, लेकिन क्या होता है, जब भी चुनाव के माध्यम से जब जब राजनीतिक जो हमारी जो सरकारी का जो अदला बदली होती है, तो इस प्रकार से सरकार के जो एजेंडे होते हैं, के लक्ष्य होते हैं, वो बदल जाते हैं इस प्रकार, और निवेशकों के हित प्रभावित होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब राजनीतिक अस्थिरता होगी तो निर्णय लेने में विलंब होता है, निर्णय लेने में विलंब होता है, फाइलें अटकी रह जाती, सरकारों के एजेंडे जो हैं, सरकारों के जो एजेंडे हैं और परियोजनाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न हो सकती है, इससे समस्याएं आती हैं निवेश के मुद्दे में। और आप जरा और समझ लीजिए, एक और एक पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, भ्रष्टाचार की समस्या भी कहीं ना कहीं इसमें क्या है, जो बाहर जो देश में भ्रष्टाचार की समस्या व्याप्त है, वो भी कहीं ना कहीं निवेश में बाधक है। इस प्रकार से हमने निवेश के जो मुद्दे हैं हमने देख लिया। अगला जो हमारी जो डिमांड थी प्रश्न की, वो कह रहा है कि निवेश के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में निवेश के क्षेत्र, निवेश के क्षेत्र, यही तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा यही था, निवेश के प्रमुख क्षेत्र, या यहाँ पे निवेश के, यूपी में निवेश के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, ये जो यूपी में जो निवेश के प्रमुख क्षेत्र की बात है, आप जरा देख लीजिए कौन कौन से भाई निवेश के प्रमुख क्षेत्र हैं। आप देखते हैं कि जो इस प्रकार इस जो अभी जो निवेश जो प्राप्त हो रहे हैं, वो आपके आईटी सेक्टर जो आपका है, आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अधिक निवेश प्राप्त हो रहा है। हो रहा है उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में आप जरा देखिए, आप देखेंगे नोएडा जो है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा राज्य के आईटी हब के रूप में, आईटी हब
बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो क्षेत्र, अगला क्या क्षेत्र हो सकता है इसमें? फिल्म, जो फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म उद्योग प्रमुख क्षेत्र हो सकता है उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में जो क्षेत्रीय फिल्म, क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की स्थापना गोरखपुर में, अपना गोरखपुर में की जा रही है। वहीं जो अगर हम जा रही, वहीं अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय फिल्म, जो जो राष्ट्रीय फिल्म उद्योग जो है उसका जो, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ? ग्रेटर नोएडा में की गई। ये तो फिल्म उद्योग आपका एक नया प्रमुख क्षेत्र हो सकता है। अगर अगला हम देखें यहाँ पे, अगला पॉइंट देखें यहाँ कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, तो सूक्ष्म जो जो आपके एमएसएमई जो उद्योग है, एमएसएमई जो उद्योग है वो प्रमुख निवेश क्षेत्र हो सकते हैं, प्रमुख निवेश क्षेत्र हो सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो व्यापार है, जो हमारा उत्पादन है, उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो कुल कुल निर्यात में, लगभग 40% हिस्सेदारी है एमएसएमई की। ठीक है, इसके अलावा आपका पर्यटन क्षेत्र हो सकता है, पर्यटन क्षेत्र भी क्या है, निवेश हो सकते हैं पर्यटन क्षेत्र। और आप देखिए पर्यटन क्षेत्र हो सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र हो सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है। इसके अलावा आपके जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस प्रकार से इत्यादि, ये आपके क्या है, प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं। अब आप यहां अगर निष्कर्ष लिखना चाहें तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में आप सिंपल से लिख दें कि निवेश के मुद्दों को संबोधित कर, राज्य को एक एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना सकते हैं। सिंपल सा इंट्रोलिक से कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब जो आपके इससे मिलता जुलता हो। हमने क्या किया यहाँ पे, 1 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर दी। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, एक आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, जो प्रश्न सेकंड प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई नीति 2022 के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना। आपको बताना है कि जो यूपी की एमएसएमई नीति 2022 जो है रिलीज की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कि इसका इंट्रो क्या हो सकता है। ठीक है, इंट्रो इसका देखते हैं क्या है। एमएसएमई नीति 2022, MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो पॉलिसी 2022 सरकार के द्वारा लाई गई, वो ठीक है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो जो आप देखेंगे कि जो सूक्ष्म, सिंपल सा इसका इंट्रो लिख सकते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है, और मध्यम उद्यम उद्यम विगत 10 दशकों से राज्य की अर्थव्यवस्था
राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था को जीवंत एवं गतिशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने बता दिया कि महत्वपूर्ण साथी, और इसके साथ ही रोजगार सृजन सृजन योम क्षेत्रीय असंतुलन दूर कर सतत एवं समावेशी विकास के वाहक भी बन रहे हैं, विकास के वाहक भी बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक सामान्य सा इंट्रो लिख दिया, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असंतुलन, समावेशी विकास, ठीक है, जीवंत एवं गतिशील। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक सिंपल सा एक इंट्रो दे दिया। आप इसमें डेटा के माध्यम से भी दे सकते हैं, और हमने इसमें जो उसकी विशेषताएं हैं उसके माध्यम से हमने इसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, अब हम क्या कर, प्रश्न पूछ रहा है कि एमएसएमई नीति के प्रमुख विशेषताएं, हमको सीधा उसी पे हिट करना है तो पूछ रहा है। प्रश्न है जो यूपी एमएसएमई नीति 2022 की विशेषताएं, विशेषताएं या प्रमुख प्रावधान। जरा समझ लेते हैं आगे, और एक एक बार और हम इसको समझते हैं, पहले थोड़ा समझने की इसकी और प्रयास करते हैं। जरा एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा हम विशेष जानकारी देते हैं, उसके बाद इसको हम एड्रेस करेंगे। थोड़ा एमएसएमई की अब यहाँ पे बात हो रही है, एमएसएमई की हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं एमएसएमई के बारे में कि उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, कोई डेटा देख लेते हैं इसके बाद, फिर इसके बाद हम उसके प्रावधान जो है नीति उसकी फिर पॉलिसी पे फिर हम उसके बाद आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जरा देखिए, अगर हम देखें एमएसएमई के बारे में, अगर जरा समझने की हम कोशिश करें एमएसएमई के बाद के बारे में, अगर हम समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो आप जरा देखेंगे एक पॉइंट ये कि जो यूपी 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 में देश के कुल एमएसएमई का 14.2% एमएसएमई है। ठीक है, एमएसएमई है, और इसके साथ ही इस एमएसएमई आधार के साथ जो यूपी है, यूपी एमएसएमई के मामले में प्रथम स्थान पर है। डेटा है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, एमएसएमई के मामले में, और 14.2%। अगर जैसे जो भी मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 एमएसएमई अगर कार्यरत है देश के अंदर, इसमें 14.2% जो एमएसएमई है वो केवल अकेले उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम जरा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यूपी में कुल निर्यात में, या कह लीजिए इसको राज्य के कुल निर्यात में, हमने इसको पहले डिस्कस भी किया है, राज्य के कुल निर्यात में, निर्यात में एमएसएमई की जो है, एमएसएमई
की हिस्सेदारी लगभग क्या है, 45% है, 45% हिस्सेदारी है। साथ ही साथ अगर और पॉइंट एक हम इसमें देखने का प्रयास करें तो देखेंगे कि 90 लाख, 90 लाख पंजीकृत व गैर पंजीकृत, पंजीकृत एमएसएमई जो है यूपी में, एमएसएमई यूपी में, ये जो था कुछ डेटा था एमएसएमई के संदर्भ में, हमने डिफिनेशन देख लिया और डेटा ये अपेक्षित नहीं था, उसके बावजूद हमने कुछ डेटा बता दिया ताकि एग्जामिनर की नजर में पहुंच जाए कि हाँ आपको एमएसएमई के बारे में जानकारी है। अब हम आते हैं प्रश्न की जो मेन मुख्य मांग जो है उसके, उस पे मुख्य जो मांग है प्रश्न की वो कह रहा है कि जो प्रमुख प्रावधान है यूपी की एमएसएमई जो नीति 2022 है, यूपी यूपी एमएसएमई नीति 2022 की विशेषताएं या प्रमुख प्रावधान, दोनों एक ही बातें हैं, आप देख समझ सकते हैं विशेषताएं। ठीक, जरा देखिए, अब समझने का प्रयास करते हैं इसको, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है विशेषताएं इसमें। एक तो पूंजीगत, इसमें क्या है कि पूंजीगत सब्सिडी की बात की गई है, इसमें क्या किया गया है, पूंजीगत सब्सिडी की बात की गई है कि हम क्या करेंगे, उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेंगे, पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान, पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान वो कैसे है, किस रूप में, जरा समझिए। एक तो ये कहा गया है इसमें कि जो राज्य का जो बुंदेलखंड और राज्य का बुंदेलखंड वह पूर्वांचल क्षेत्र है, वह पूर्वांचल क्षेत्र में जो एमएसएमई होंगे, क्षेत्र में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को, मध्यम जो उद्यम होंगे क्रमशः 25%, 15%, सॉरी का 25% और ये क्या है 20%, 20% और 15% की पूंजी सब्सिडी के पात्र होंगे, सब्सिडी के पात्र होंगे। इसका मतलब ये है, इसका जरूर जरा समझ लेते हैं यहाँ पे, समझ लेते पहले कि जो भी ऐसे उद्योग, ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में या पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे उनमें, उन पर जो पूंजी सब्सिडी लाभ होगा वो सूक्ष्म उद्योगों के लिए 25% दिया जाएगा, लघु उद्योगों को 20% दिया जाएगा और मध्यम उद्योगों को 15% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, वही आप जरा इसको समझिए, वही वही जो आपके मध्यांचल और मध्यांचल और पश्चिमांचल का भी क्षेत्र है, पश्चिमांचल का भी क्षेत्र, क्षेत्र में जो ये एमएसएमई को जो सब्सिडी होगी वो 20% और 5% कम कर दिया, 15% व 10% प्रदान की जाएगी, 10% प्रदान की जाएगी। पर जस्ट क्या होगा, इन क्षेत्रों को थोड़ा विशेष सब्सिडी लाभ इसलिए दिया जा रहा है ताकि, क्योंकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र हमारे क्या है, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, तो ये ध्यान देना पड़ेगा, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं हम, ठीक है, ये तो पूंजी सब्सिडी की बात हो गई।
दूसरी बात जो है हम यहां पे देखते हैं, तो दूसरा इसका जो पॉइंट है कि ब्याज सब्सिडी की, एक तो पूंजीगत सब्सिडी हो गई, एक तो ब्याज सब्सिडी हो गई जिसमें बात की गई ब्याज सब्सिडी। ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस ब्याज सब्सिडी में क्या है, केवल सूक्ष्म इकाइयां ही ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है, केवल सूक्ष्म उद्योग जो होंगे, सूक्ष्म उद्यम ही ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। के पात्र होंगे इसका मतलब यह है कि जो हमारे लघु उद्योग हैं और मध्यम उद्योग है उनको ब्याज पूंजी सब्सिडी तो मिलेगी लेकिन उनको ब्याज सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, अच्छा और देखिए जरा इसमें पॉइंट समझिए। जो आप देखिए यहां पे जो एससी एसटी और महिला उद्यमी है और महिला उद्यमियों को, महिला उद्यमियों के लिए 60% ब्याज सब्सिडी पांच साल के लिए पांच साल के लिए दे होगी। ये प्रावधान, लेकिन और ये क्या है, 25 लाख रुपए प्रति यूनिट की सीमा के अधीन है। साथ साथ यहां ध्यान दीजिए कि 25 लाख रुपए एक अगर, एक अगर आपको सूक्ष्म उद्योग की स्थापना करना है तो 25 लाख रुपए अधिकतम जो वहां पे जो होगा वो सब्सिडी 25 लाख रुपए होगी। ये आप ध्यान दीजिएगा, डेटा है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा और इसका और जिसमें छूट प्रदान की गई है जरा इसको देख लेते हैं और कौन कौन से। एक तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जरा देख लेते हैं, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट सब्सिडी है 7 वर्षों के लिए, यहां पे ध्यान देने की बात है 7 वर्षों के लिए दे होगी, 7 वर्षों के लिए दी जाएगी, के लिए दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7 वर्षों के लिए दी। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। छूट का प्रावधान किया गया है, ये किस तरीके से होगा छूट का प्रावधान, यहां समझिए जरा। जो पूर्वांचल व बुंदेलखंड के जो एमएसएमई होंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र के एमएसएमई एमएसएमई को 100% स्टाम्प शुल्क छूट दी जाएगी या उसके पात्र होंगे, कह दीजिए दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है समझिए जरा, महिला उद्यमी अगर कोई है, महिला उद्यमी राज्य के किसी हिस्से में यदि कोई उद्योग लगाती है
यदि कोई उद्योग कोई उद्यम शुरू करती है तो उस पर 100% स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से और भी कई सारे प्रावधान यहाँ पे हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से और कई सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं। और जैसे साथ ही साथ आप देख लीजिए कि अगर यहां पे एक बात की गई है कि जो अगर पेटेंट पेटेंट आप समझ रहे हैं, आपने कोई पेटेंट कराया, पेटेंट योम जीआई टैग प्राप्त करने के लिए, अगर प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 75%, और ये अधिकतम क्या होगा, मैक्सिमम 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बहुत सारे कई और भी प्रावधान हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं जाकर के बुक्स में, जो एमएसएमई पॉलिसी उसको इस प्रकार से, क्योंकि आप जितने भी उसमें प्रावधान होते हैं वो सारे एग्जाम में लिख पाना, 3 पेज की कॉपी में लिख पाना संभव नहीं होता है। आप कोशिश करिए कि उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 10 लाख रुपए के प्रावधान पेटेंट एवं जीआई टैग प्राप्त करोगे। ठीक, इस प्रकार से हमने लगभग अपना जो प्रश्न की जो मांग थी उसको कंप्लीट किया है, और इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं हम। निष्कर्ष अगर हमको लिखना हो इसका, अगर निष्कर्ष निष्कर्ष लिखना हो तो लिख सकते हैं कि एमएसएमई नीति एमएसएमई नीति 2022 राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, कम करने में सहायक होगी। इस प्रकार से हमने सिंपल सा इंडिरेक्ट क्या हुआ, निष्कर्ष लिख हुए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश, समझिए जरा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की चर्चा करनी है आपको, बताना है इसके विषय में, डिटेल में बताना है जितना आप संभव हो सके। ठीक है, ठीक है, अगर आपको इसको इंट्रो लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इसका जरा एक इंट्रो देखते हैं। यहाँ पे इंट्रो लिखते हैं, इसका इंट्रो है इसका, अगर लिखे हम तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश को 33.5 लाख करोड़ रुपए का करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हुए जो कि राज्य को आत्मनिर्भर राज्य
आत्मनिर्भर राज्य, आत्मनिर्भर राज्य कामा 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी तथा विकसित राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा इसको, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगर बनाना है, विकसित राज्य बनाना है और आपको आत्मनिर्भर राज्य बनाना है, उसमें जो हमारा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इंट्रो हो गया, इससे और बेहतर भी इंट्रो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझिए। अब जरा देखिए कि इसकी आपको चर्चा करनी है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके बारे में चर्चा करनी है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम थोड़ा इसकी जो संक्षिप्त में इसके बारे में जान लेते हैं, संक्षिप्त में इसमें अगर बारे में जाने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसी के बारे में हमको क्या करना है, चर्चा करनी है, तो डिटेल में इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक, हमने देखा कि अभी हमने इंट्रो में देखा कि जो समिट में समिट का आयोजन फरवरी 2023 में 3 दिन के लिए किया गया। डेट भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पूछ सकता किया गया और 2023। इसमें इसमें 1958 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हुए, साइन, ध्यान रखिए डेटा है, साइन हुए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और 33.5 जिसका हमने जिक्र ऊपर कर ही दिया है, उतने 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, इस प्रकार से, ठीक। अगला अगर हम पॉइंट यहीं पे यहां देखें, अगला पॉइंट देखें तो इससे जो समिट है, जो इन्वेस्टर समिट 2023 से, समिट 2023 से लगभग 1 करोड़ अगर देखा जाए, वैसे अगर सीधा डेटा देखें तो 93 लाख, या कहे इसको यूं कह लीजिए कि लगभग 93,82,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है,
प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, इस प्रकार से अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, अगला पॉइंट देखें, इसको और हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, 83,82,000 लोग। अगला पॉइंट देखें अगर यहाँ पे, वैश्विक व्यापारिक समूह, एक बात और देख लेते हैं यहां, सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारी जो जो ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ, समिट में पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए राज्य सरकार ने, राज्य सरकार ने 19 देशों से, लगभग 19 देशों से संपर्क किया और उनको आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ आप क्या है, जो हमारी इन्वेस्टर समिट है उसमें आप लोग आइए और उसमें उसमें क्या है, उसमें भागीदारी करिए। ठीक है, इसके अलावा और हम अगर अगला पॉइंट देखें, ठीक है एक पॉइंट ये हो गया, अगला पॉइंट अगर देखें यहाँ पे, यूपी सरकार ने खेल को भी, इसमें खेल को भी, को भी इस समिट में, इस समिट में शामिल किया। इस समिट में शामिल किया और साथ साथ इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, और साथ में हुआ ये कि यूपी जो क्रिकेट एसोसिएशन है, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला, 30,000 की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू किया, साइन किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, ठीक है, कि खेल को इसमें शामिल किया गया और बाराबंकी में, ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिहाज से भी काफी आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, तो वैश्विक व्यापारिक समूह हमारा है, वैश्विक व्यापारिक, जो व्यापारिक समूह जो यहाँ पे इन्वेस्टर समिट में भाग लेने आया था, समूह से लगभग 7.12 लाख करोड़ रुपए के 149 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसकी हो, ठीक है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट आप देख सकते हैं कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, इसमें आप देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2023 में सिंगापुर के निवेशकों ने
ने यूपी में अध्यात्म, और इको टूरिज्म, के लिए, इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए, 29,000 करोड़ के एमओयू, पर हस्ताक्षर किए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, ये जो हमारे इसके हैं। इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने देखी इसकी, ठीक है। साथ ही साथ और देख सकते हैं, अगर इसमें हम देखें थोड़ी सी और सी बात कोई जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है, कि जो टोटल निवेश मिला हमने देखा 33.5 लाख, 33.5 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा निवेश प्राप्त हुआ टोटल में, उसमें कुल जो निवेश का कुल प्राप्त निवेश का 27% निवेश जो है, 27% निवेश अकेले निवेश मात्र गौतम बुद्ध नगर, इसको नोएडा से, नोएडा ग्रेटर नोएडा कहते हैं, नोएडा और प्लस ग्रेटर नोएडा को प्राप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण डेटा आप समझिए, कितनी इसमें क्या है क्षेत्रीय विषमता, कितनी व्याप्त है निवेश प्राप्त होने को प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा जरा यहां हम एक चीज और देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, हम एक चीज देख लेते हैं, सर्वाधिक निवेश प्राप्त क्षेत्र, जो सर्वाधिक निवेश प्राप्त क्षेत्र, ठीक, चलो अच्छा, इसकी इसकी जगह पे हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं निवेश, सर्वाधिक निवेश प्राप्त क्षेत्र में, इसको इसकी जहाँ पे खास आवश्यकता नहीं मुझे लग रही है इसको, ठीक है बाद में देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ जो मेन महत्वपूर्ण जो चीज है, गौतम बुद्ध नगर को सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ, और साथ साथ हम इसमें यहाँ ये बता सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो निवेश प्राप्त हुआ जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को, बारह दशमलव 4% सर्वाधिक निवेश प्राप्त, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था उस प्रकार से उस पर चर्चा करनी थी, हमने उसको कर दिया। उसके बाद अगर देखें तो अगर हम पॉइंट फॉर्मेट में और देख लें तो जो औद्योगिक पार्क जो है, क्षेत्र है, औद्योगिक पार्कों को जो स्थापना के लिए क्या हुआ, तो सेकंड नंबर पे 11.35% निवेश प्राप्त हुआ, और वहीं जो हमारे उच्च शिक्षा के लिए जो निवेश है, उच्च शिक्षा में जो निवेश है, थर्ड नंबर पर 9% प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने डिटेल में इसको देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं, ठीक है, निष्कर्ष पे आ जाते हैं, ताकि सकारात्मक जो निष्कर्ष है वो प्राप्त हो सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से, न केवल रोजगार सृजन
को बढ़ावा मिलेगा। को बढ़ावा मिलेगा, न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य को समृद्धशाली राज्य बनाने में भी सहायक होगा। इस प्रकार से हमने देख लिया, ठीक है, सहायक होगा, सहायक हो। इस प्रकार से हमने देख लिया जो तीन हमारे प्रश्न थे, उत्तर प्रदेश निवेश, उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव संबंधी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उनको हमने बारी बारी से देखा, और जो भी एक बेहतर उत्तर हो सकता था, जो बेहतर कंटेंट हो सकता था, वो हमने प्रोवाइड किया। इससे भी बेहतर उत्तर लिखे जा सकते हैं, ये एक मॉडल के रूप में है, ये आपको समझाने का उद्देश्य मात्र है कि आप किस तरीके से प्रश्न को हैंडल करें, प्रश्न की मांग को समझें। हम मिलते हैं अगले जो लेक्चर 5 होगा उसमें, जो हमारा पेपर 6 है उसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।